नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, मैच नंबर 17 आईपीएल 2024 और 4 अप्रैल की तारीख। मैच था गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच। गुजरात टाइटंस पहले बल्लेबाजी करती है और स्कोर बोर्ड पर जड़ देती है 199 रन। 200 रनों के लक्ष्य का पीछा करने पंजाब की टीम उतरती है और शिखर धवन एक रन बनाकर आउट हो जाते हैं। 13 के स्कोर पर पंजाब किंग्स का पहला विकेट डाउन हो जाता है। इसके बाद धीरे धीरे करके 70 रन के स्कोर पे 4 विकेट गिर जाते हैं और फिर मैदान में एंट्री होती है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के करीब 6 फीट के हट्टे कट्टे नौजवान खिलाड़ी की। ये खिलाड़ी मैदान में उतरता है और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से सबका दिल जीत लेता है। गेंदे खेलता है मात्र 29 और 69 रन की पारी 4 लंबे लंबे छक्कों के साथ। नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण गौतम और मेरे साथ आज पंजाब किंग्स की उस जीत का हीरो, आईपीएल का स्टार शशांक सिंह मेरे साथ मौजूद हैं और आपसे मुखातिब हैं। थैंक यू सो मच सर, बुलाने के लिए थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद। कोई आपका ऐसा मोमेंट आईपीएल का, उस मैच को अगर हम छोड़ दें, क्योंकि वो तो आपके लिए था ही एक ऐसा मोमेंट था जिसको आप कभी नहीं भुलाना चाहेंगे, हम भी आपके फैंस और क्रिकेट फैंस होने के नाते हम भी उसको कभी नहीं भूल सकते, तो उसके अलावा कोई ऐसा मोमेंट जिस आपको हमेशा याद रहेगा? जी बिल्कुल, जैसे वो चौथा मैच था शायद से जो हम लोग का था टीम का, जो पहला मैच था हम लोग का, उसमें मैं 0 पे आउट हो गया था अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स। खलील को मैं पुल करने गया और ऋषभ ने पीछे कैच लिया, तो पहला मैच में लास्ट ईयर आईपीएल में था नहीं, इस साल पहला मैच में 0 पे आउट हो गया, तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस बहुत लो था। 10 चीज़ दिमाग में चल रही थी कि नेक्स्ट मैच चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा, एक साल वेट किया है मैंने और मैं 0 पे आउट हो गया हूँ। तो खुशी सिर्फ इतनी थी टीम जीत गई, बट जब मैं डगआउट में आ रहा था तो बुरा लग रहा था खुद के लिए, बट मेरे पास शिखर भाई आए, पहले जॉनी बेस्ट्रो आए, सैम करन आए, तो जिस तरीके से उन्होंने मुझे बैक किया, कॉन्फिडेंस दिया, मैं नेक्स्ट मैच का सोच रहा था कि नेक्स्ट मैच हमारा 2 दिन बाद ही था आरसीबी अगेंस्ट, तो मेरे दिमाग में चल रहा था कि यार नेक्स्ट मैच में ये बॉलर्स हैं, अगर खेलने को मिलेगा तो मैं कॉशियस होकर खेलूंगा, 1 रन 2 रन लूंगा, पहली बॉल में मारने नहीं जाऊंगा। और जॉनी बेस्ट्रो और सैम करन मेरे पास आए, बोले कि भाई नेक्स्ट मैच में अगर यही बॉल आएगा सेम शॉट ट्राई करना, एंड वी आर सो श्योर कि वो 6 जाएगा। तो जब कोई शॉर्टेस्ट खेला हुआ प्लेयर या एक आपका सैम करन जो वर्ल्ड का बेस्ट ऑलराउंडर है, वो आते हैं आपके पास और आपको इतना कॉन्फिडेंस देते हैं, तो वो बहुत मीन करता है। ऑब्वियसली उसके बाद मेरा आईपीएल अच्छा गया, डिसेंट गया, मैंने अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए, बट जब मेरा वो एक लो था, जब मैं नेक्स्ट मैच खेलने जाने के पहले इतने सारे थॉट्स थे दिमाग में, तो जिन लोगों ने मुझे काम डाउन किया, फॉर दैट मैटर प्रीति जिंटा मैम, उन्होंने हम लोग का टीम डिनर था, उन्होंने मुझे बोला कि शशांक तुम हम लोग के लिए स्टार हो और हम लोग तुम्हें बहुत लंबा रन देने वाले हैं, बहुत बैक करने वाले हैं, तो जाके सिर्फ अपने आप को बिंदास एक्सप्रेस करना, ज़्यादा कुछ मत सोचना। तो जब आपका टीम ओनर ये बात बोलता है तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आता है, तो आई थिंक मेरे लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था ये आईपीएल का, कि मुझे मेरी टीम ने कितना बैक किया। आपने इस आईपीएल के सीजन में लगभग करीब 300 रन किए, 269 रन किए आपने, 200 से ऊपर का आपका स्ट्राइक रेट था, और आपकी जो स्ट्राइकिंग एबिलिटी है उसको जब स्क्रीन पे पूरी दुनिया ने देखा तो एक कह सकते हैं नया भारतीय सितारा, अनकैप्ड प्लेयर उभर कर सामने आया। तो अनकैप्ड प्लेयर्स के सामने आईपीएल जैसे मैचेस में जहां धोनी जैसे लीजेंड हैं, विराट कोहली, किंग कोहली हैं और भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, तो जब उनके साथ मैचेस होते हैं तो एक अनकैप्ड प्लेयर के ऊपर परफॉर्मेंस का प्रेशर तो होता है, इसके अलावा और क्या प्रेशर होते हैं जो मैदान में एक अनकैप्ड प्लेयर को सामना करना पड़ता है? सबसे बड़ा जो प्रेशर होता है वो क्राउड का होता है, परफॉर्मेंस का होता है, बिकॉज हम लोग मुश्ताक अली खेलते हैं, जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स खेलते हैं, विजय हजारे, रणजी ट्रॉफी, मुश्ताक अली, उसमें इतना क्राउड का प्रेजेंस या मीडिया का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, आपको मालूम ही है कि इतना जितना आईपीएल को हाइप मिला है उतना नहीं मिला है डोमेस्टिक को। सबसे बड़ा प्रेशर तो वो होता है कि एज अ ह्यूमन हम भी इंस्टाग्राम खोलते हैं, हम भी फेसबुक खोलते हैं, हम भी पेपर पढ़ते हैं, हमें भी देखते हैं कि यार कोई ख़राब कर रहा है तो लोग ट्रोल करते हैं उसको, या जब ग्राउंड पर जाते हैं तो इतने सारे लोग दिखते हैं हम लोग को जो मैच देखने आते हैं, तो प्रेशर उसका रहता है, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। बट मैंने हमेशा से ये फील किया है कि मेरा 5वां साल है आईपीएल का, तो मुझे हमेशा से लगता है कि जब मैं जाता हूँ बैटिंग करने तो शायद विराट कोहली बैटिंग कर रहा हो या विराट कोहली फील्डिंग कर रहा हो, माही भाई पीछे खड़े हो या रोहित भाई खड़े हो, कोई भी हो, आई थिंक मैं अपने आप को उतना ही बड़ा आंकता हूँ, मे भी उनसे ज़्यादा ही आंकता हूँ, क्योंकि मेरा हमेशा से मानना है कि अगर ऑब्वियसली ग्राउंड के बाहर वो मेरे लिए स्टार्स हैं, लेजेंड्स हैं, मैं बहुत स्टार स्ट्रक हो जाता हूँ कि भाई मुझे भी उनके साथ मिलना है, बात करना है, बट जैसे ही मैं एज अ बैट्समैन, एज अ फील्डर, एज अ बॉलर स्टेप इन करता हूँ तो वो एक मेरे नॉर्मल ओपोनेंट है जैसे बाकी प्लेयर्स हैं, और मुझे हमेशा लगता है कि मैं ग्राउंड पर बेस्ट हूँ। मैंने एक बार पहले भी कहा था कि मुझे वो बिलीव करना बहुत ज़रूरी है कि जब मैं जा रहा हूँ बैटिंग करने या फील्डिंग करने तो मैं उस ग्राउंड पर बेस्ट प्लेयर में ही हूँ, बिकॉज अगर मैंने अपने आप से ज़्यादा किसी को इंपॉर्टेंस दी तो शायद से मैं उधर ही हार जाऊंगा मैच। तो हमेशा से मेरा ये बिलीव है कि जब ग्राउंड में आप जाओ तो यू हैव टू बिलीव दैट यू आर द बेस्ट ऑन दैट गिवन डे,
अदरवाइज आप बहुत पीछे हो जाओगे गेम से. और IPL या प्रोफेशनल क्रिकेट इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग हो गया है आजकल, मेंटली इतना डोमिनेटिंग हो गया है कि आप थोड़ा भी किसी को अपने आप से ऊपर रखोगे तो आप बहुत पीछे जाते जाओगे. तो मेरा वो मानना है. अभी आपने इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया का जिक्र किया, तो एक मैं आपका पॉडकास्ट देख रहा था, उस पॉडकास्ट में आपसे चर्चा हो रही थी कि आप इस पारी के पहले यानी 4 अप्रैल की जो पारी थी आपकी गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट, उसके पहले इंस्टाग्राम पे आपके कितने फॉलोअर्स हैं. और अभी मैंने जब आपका चेक किया है तो वो लगभग 262K के आसपास है. तो अभी आपने रिसेंटली चेक किया और पहले कितने थे आपके फॉलोअर्स? जी इतना मुझे मालूम है कि IPL स्टार्ट होने के पहले IPL कैम्प में 15K के अराउंड थे. तो ऑब्वियसली पर इसमें ऑब्वियसली मैंने परफॉर्मेंस किया, अच्छा हुआ. बट इसमें जो बहुत मेजर रोल है वो हमारी डिजिटल टीम का है, मार्केटिंग टीम का है, कि उन्होंने मुझे इतना बैक किया. आपको ही मालूम है, आप इस फील्ड से, कि जो पर्दे के पीछे चीज़ें होती हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं. तो उन्होंने मेरी बहुत सपोर्ट की. उन लोगों का हम लोग उतना जिक्र करते नहीं हैं, बट उनका बहुत बड़ा श्रेय जाता है इस चीज़ में कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, बैक किया. और ऑब्वियसली फिर फैंस तो सपोर्ट करने के लिए होते ही हैं, और इतना प्यार मिलता है उनसे तो बहुत बड़ी बात है. और अच्छा लगता है कि भाई अब इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं, लोग जानते हैं आपको. आप इसी के लिए क्रिकेट भी खेलते हो. मुझे लगता है कि ऑब्वियसली आपको कंट्री के लिए खेलना है, बट खुशी मिलती है कि आप जब रन करो या आप चौके छक्के मारो तो कोई दूसरा स्माइल कर रहा है, तो वो अच्छा लगता है, वो बात भी अच्छी लगती है. शशांक का भोपाल से तगड़ा कनेक्शन है. भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी शैलेश सिंह के बेटे हैं. मूल रूप से छत्तीसगढ़ के भिलाई में जन्मे हैं, तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों से शशांक का तगड़ा नाता है. और छत्तीसगढ़ से एक और तगड़ा नाता ये है इनका कि शशांक ने छत्तीसगढ़ की टीम से अपने फर्स्ट क्लास करियर की शुरुआत की थी ओडिशा के खिलाफ 2019 में. तो आप अपने डेब्यू का कुछ एक्सपीरियंस बताएं. जी डेब्यू एक्सपीरियंस बहुत ख़राब था टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं 4 या 8 रन पे आउट हो गया था. थोड़ा सीमिंग ट्रैक था, फास्ट बॉलर के लिए हेल्पफुल था वो. बट सबसे अच्छी बात है कि मुझे डेब्यू करने मिला, बिकॉज उसके पहले मैं बॉम्बे से खेलता था. तो बॉम्बे से मैंने वाइट बॉल सर्किट में सब कुछ खेला, विजय हजारे, सैयद मुश्ताक अली. बट फर्स्ट क्लास जो रणजी ट्रॉफी बोलते हैं हम लोग, रेड बॉल, उसमें मैं डेब्यू नहीं कर पा रहा था, बिकॉज कॉम्पिटिशन बहुत था और बॉम्बे का टीम बहुत स्ट्रॉन्ग था और सब लोग बहुत अच्छा कर रहे थे. तो फिर मैंने प्लान किया कि यार हम लोग का करियर स्पैन वैसे इतना छोटा होता है क्रिकेटर्स का, तो क्यों ना अपने वापस होम स्टेट जाऊँ और वहाँ से एक्सप्लोर करूँ. तो जब डेब्यू किया तो थोड़ा इमोशनल फीलिंग था, बिकॉज एज अ क्रिकेटर आप मुझसे पूछोगे सबका ड्रीम होता है फर्स्ट क्लास खेलना, रेड बॉल खेलना. तो पर्सनली मेरे लिए अच्छा नहीं था, मैं दोनों इनिंग्स में जल्दी आउट हो गया. बट काफ़ी कुछ सीखने को मिला, बिकॉज ऑब्वियसली यू गेट अ रियलिटी चेक जब आप रणजी ट्रॉफी खेलते हो, क्योंकि उसके पहले मैं ऐसा नहीं रेड बॉल नहीं खेला है, मैंने कॉपरेट क्रिकेट, क्लब क्रिकेट काफ़ी खेला हुआ है. बट एक रणजी ट्रॉफी एक रणजी ट्रॉफी ही होता है, तो आपको एक रियलिटी चेक मिलता है कि आपको किस चीज़ पर वर्क करना है, आप कितना पीछे हो, आपको फिटनेस वाइज कितना वर्क करना है. तो एक अच्छा रियलिटी चेक मिला, और ऑब्वियसली उसके बाद चीज़ें अच्छी हुई, बेटर परफॉर्मेंसेज हुए. और अब काफ़ी अच्छा लगता है कि उस टीम से मैं खेलता हूँ, जहाँ पे मुझे बहुत वेलकमिंग लोग हैं, काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं मेरे उस टीम में, और एक अच्छा माहौल है हमारी टीम का, तो अच्छा लगता है खेलना. आपने उस मैच में भले ही ज़्यादा रन नहीं बनाए थे, लेकिन आपको बता दूं शशांक बहुत अच्छे गेंदबाज भी हैं, और अपने डेब्यू मैच में शशांक ने 2 विकेट भी चटकाए थे. तो गेंदबाजी को लेकर कुछ शशांक का आप बताना चाहें. सर ऑब्वियसली मैंने हमेशा अपने आप को एक अच्छा ऑलराउंडर बनाने की कोशिश की है. ऑब्वियसली मैं मेहनत कर रहा हूँ उसके लिए, बॉलिंग में मुझे और काफ़ी वर्क करना है. बट हाँ, हमेशा से मैंने ये सोचा है कि यार बैटिंग के साथ एक दूसरा एबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आज के जनरेशन में जहाँ क्रिकेट इतना फास्ट मूविंग है. तो मैं हमेशा से अपनी बॉलिंग में फोकस कर रहा हूँ. ये सीज़न मेरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट सीज़न ऑब्वियसली जब मैं IPL में जाऊँगा, तो आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि लोग मुझे एज अ ऑलराउंडर जाने रादर देन जस्ट एक बैट्समैन. तो मैं बॉलिंग पे मेहनत कर रहा हूँ, एंड होपफुली आप लोगों को मेरे बॉलिंग सेट्स के बारे में या बॉलिंग के बारे में और लोगों से मालूम पड़ेगा सून. और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फिटनेस पे भी वर्क करूँ, क्योंकि एज अ बॉलर यू नीड टू वर्क अ लॉट ऑन योर फिटनेस एज वेल. तो मैं फिटनेस पे भी वर्क कर रहा हूँ, और होपफुली अच्छा होगा आगे. बिल्कुल, हम भी यही दुआ करेंगे कि भारत को एक नया ऑलराउंडर मिले. आप अभी अनकैप्ड हैं, फिर आप कैप्ड होंगे. अच्छा शशांक, एक हम लोग चूँकि मीडिया में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, कुछ बातें होती हैं, तो जब आपने वो 69 रन की पारी खेली थी, उसके बाद कहा जा रहा था कि शशांक वो खिलाड़ी है जिसको पंजाब किंग्स ने गलती से खरीद लिया था, तो ये वाकई सच है या कि ये रूमर है कोई? नहीं सर, ये हमारे लिए हमेशा से एक रूमर था, बिकॉज आप बिलीव नहीं करोगे कि हमारा जो फर्स्ट टीम डिनर था, मतलब IPL के पहले की बात है, जहाँ प्रीति मैम, नेस सर, मोहित सर, जो भी हमारे ओनर्स हैं, हमारे कोचिंग स्टाफ सब थे. तो जब मैं एंटर किया तो बहुत ही एक फ़नी वाला फीलिंग था, क्योंकि प्रीति मैम से मिला, हक किया उनको, और उन्होंने जिस तरीके से बोला कि भाई रियल शशांक तू है, वो आपने मूवी देखी होगी अंदाज़ अपना अपना, जो बोलता है तेजा मैं हूँ मार किधर है. तो हमारा वही एक सीक्वेंस चल रहा था मैडम के साथ, मैम से बोला था कि मैम, मतलब एक फ्रेंडली बैंटर वे में, क्योंकि मुझे मालूम है कि हमेशा से उनके रडार में मैं ही था. बिकॉज जो दूसरा शशांक जिसकी आप बात कर रहे हो, वो एक अंडर 19 का लड़का है, बंगाल का, बहुत टैलेंटेड होगा.
मैं पर्सनली नहीं जानता हूँ, बट अच्छी सी चीज़ें सुनी है मैंने उसके बारे में। अभी उसको आई मीन उसका ग्राफ ऊपर जाएगा, अभी उसे डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना है, वो खेला नहीं है मैचेस। तो ऑब्वियसली कभी कभी टेक्निकल ग्लिच होता है कि दो लोग एक ही नाम के आते हैं, जैसे मेरा नाम जो है उसका नाम सेम ही है, शायद मेरा फोटो आ जाए उसके नाम के साथ और उसका फोटो मेरे नाम के साथ आ जाए, तो टेक्निकल ग्लिच था। बट आप पंजाब किंग्स के बारे में आपको अगर हिस्ट्री मालूम होगी तो आपने देखा होगा कि वो हमेशा से डोमेस्टिक टैलेंट को बहुत प्रमोट करते हैं, तो उन्होंने पहले भी काफ़ी प्रमोट किया है, तो मुझे हमेशा से उम्मीद थी कि ये टीम ऐसी है जो जाएगी मेरे लिए, और गए वो लोग और अच्छा था। मतलब अभी भी जब भी हम बात करते तो हम लोग एक बहुत ही फनी वे में लेते हैं। एंड आफ्टर दैट जो प्रीति मैम ने, बिकॉज ऑब्वियसली वो ट्रोल्स थे और काफ़ी सब मीडिया में हुआ था, और ऑनेस्टली मैं बहुत फॉलो नहीं करता हूँ, अब मैंने थोड़ा फॉलो करना चालू किया सोशल मीडिया, बट मैं कभी भी ऐसे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं था। बट मुझे अभी भी याद है कि जो प्रीति मैम ने मेरे लिए एक पोस्ट डाला था इंस्टाग्राम पे, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी, बिकॉज सी एक होता है एक ओनर से एक प्लेयर का रिलेशनशिप, बट जो प्रीति मैम ने मेरे लिए किया वो पोस्ट डाल के, इट वॉज मोर ऑफ प्रीति जिंटा टू शशांक सिंह, उसमें वो ओनर और एक प्लेयर का रिलेशन नहीं था, उन्होंने खुद अपने दिल से डाला वो चीज़। तो मैं आज भी जब हम लोग जा रहे थे, हमारा लास्ट मैच खत्म हुआ 19th को, तो हम वापस आ रहे थे, तो प्रीति मैम को मैं वही बोला था कि मैम मेरे लिए बहुत बड़ी बात है वो, बिकॉज एज अ ह्यूमन टू ह्यूमन टच था वो, एज अ ओनर टू प्लेयर टच नहीं था वो, तो थैंक यू उसके लिए। एंड शी वॉज ऑल्सो थोड़ा इमोशनल, एंड मतलब हमेशा से मैं एक ग्रेटफुल रहूँगा मैम के लिए कि मेरे पास एक ऐसी ओनर है जो मुझे इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है, और बहुत बड़ी बात है मेरे लिए वो। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि शशांक को गलती से पंजाब किंग्स ने नहीं खरीदा था। ये जो अब तक आप जो सुनते आए थे उस मैच के बाद कि शशांक सिंह को गलती से खरीदा था, शशांक सिंह ने खुद आज दसूत्र के कैमरे पर इस बात से इनकार किया है कि ये र्यूमर है, और शशांक बाकायदा जो बिड हुई थी IPL की उसमें प्रॉपर तरीके से खरीदे गए थे, गलती से नहीं खरीदा गया था। तो पहली बार ये खुलासा आप दसूत्र के कैमरे पर देख रहे हैं। और शशांक, बहुत जल्दी आप अगर आप बताना चाहें भोपाल से आपका कैसा कनेक्शन है, पेरेंट्स का कैसा कनेक्शन है, और भोपाल से आप कैसे आगे बढ़े, और ये जो जर्नी आज यहाँ पर आप बैठे हुए हैं एक बहुत अच्छे खिलाड़ी के रूप में, ये कैसे शुरू हुई? जैसे आपने बताया कि मेरे पापा IPS ऑफिसर हैं, तो पापा की यहाँ भी पोस्टिंग थी पहले, पापा यहाँ पे SP थे फूड में और IG थे यहाँ पे। तो मैं जब मतलब मेरा जर्नी चालू हुआ है सिवनी से, जब 96 में इंडिया वर्ल्ड कप हार गया था अगेंस्ट श्रीलंका, तो पापा वहाँ पे SP थे, तो पापा का ये हमेशा से पापा का सपना था कि मैं क्रिकेट खेलूँ। ऑब्वियसली मेरा सपना कभी नहीं था कि मैं क्रिकेट खेलूँ, मेरा सपना ही नहीं था कुछ, क्योंकि बचपन में आप 7-8 साल के होते हो तो आप कहाँ ही कुछ सोचते हो ज़्यादा। तो पापा का मैं सपना था कि मैं कंट्री के लिए खेलूँ और हाईएस्ट लेवल खेलूँ। तो ऑब्वियसली पापा मुझे बॉल डालते थे घर पर, जो थोड़े सेवन से थोड़ा बॉल फील्ड करते थे, मम्मी कभी बॉल डाल देती थी, तो वैसा रहता था। भोपाल में हम लोग जब आए, पापा यहाँ भोपाल में थे, तो ऑब्वियसली भोपाल में यहाँ पे एक पुलिस की भी टीम है अच्छी क्रिकेट की, काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं उसमें, तो मैं उनके साथ प्रैक्टिस करता था। जैसे एक योगेंद्र सिंह करके हैं वो पुलिस में है, एक समीर व्यास थे, अब नहीं है हमारे बीच में, वो एक अच्छे फास्ट बॉलर थे, एक मनजीत सिंह करके हैं वो अच्छे फास्ट बॉलर थे, तो इन लोगों के साथ मैं प्रैक्टिस करता था। तो जब मैं प्रैक्टिस करता था इतने बड़े लोगों के साथ, मैं था 13-14 साल का और ये सब बड़े 25-28 साल के थे और बहुत तेज डालते थे बॉल, तो मुझे एक अलग कॉन्फिडेंस आता था। जैसे मैं आज भी लोगों को बोलता हूँ, मुझे कोई पूछता है कि जब मैं फास्ट बॉलर खेलता हूँ तो मुझे कभी कुछ थोड़ा भी डरता नहीं हूँ या मैं उसके ज़्यादा नहीं हूँ, तो बताऊँ मैंने हमेशा से नोटिस किया है कि ये फास्ट बॉल खेलना एक आर्ट है। एक डर लगता है कभी 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 फास्ट बॉलर, आप पेस से डरते नहीं हो, आप सिर्फ फास्ट बॉलर के नाम से डरते हो कि यार उतना तेज आ रहा है, मिचेल स्टार्क बहुत तेज आएगा, डालेगा, बाउंस करेगा, आई मीन ऑब्वियसली वो स्विंग कराए, बाउंस कराए, आप उस पर आउट हो सकते हो। बट जो डर है मेरे अंदर वो बचपन में शायद मर गया था, बिकॉज जब मैं इन 4-5 लोगों को खेलता था नेट्स में, इतने बड़े थे, तो डर मेरे अंदर तभी चला गया था बचपन में कि मैं फास्ट बॉलर को आउट नहीं सकता, मुझे ये कॉन्फिडेंस था। तो इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, आई मीन ऑब्वियसली मेरे पापा तो मेरे सबसे बड़े सपोर्टर हैं और क्रिटिक हैं, कि आज भी जब वो बात करते हैं, आज भी हम क्रिकेट की बात करते हैं, तो आई मीन एंडलेसली वो बात 3-3-4 घंटे होती रहती है। तो भोपाल में जब थे तो ये 6 नंबर पे एक ग्राउंड था पठानिया ग्राउंड करके, तो अब तो काफ़ी बिल्डिंग्स आ गई हैं वहाँ पर वहाँ पर पापा ने टर्फ क्रिकेट बनवाया था, वहाँ पर पुलिस की टीम प्रैक्टिस करती थी, तो वहीं पर उन लोगों के साथ मैं सुबह 7 से लेकर 9-9:30 पर प्रैक्टिस करता था, फिर स्कूल जाता था हाफ डे के बाद, शाम को 3 से लेकर 6 बजे तक बैटिंग करता रहता था। तो आई मीन वहाँ से मेरे बेसिक्स काफ़ी क्लियर हुए, आपको इतनी आदत हो जाती है बैटिंग करने की लंबे घंटों की, तो आप मैच भी ट्राई करते हो रिपीट करो कि उतना लंबा लंबा बैटिंग करो, तो वो सब चीज़ें भोपाल में ही डेवलप हुई। आई मीन जब हम बॉम्बे गए तो ऑब्वियसली मुझे काफ़ी सारी नई चीज़ें मालूम पड़ी कॉम्पिटिशन के बारे में, फिटनेस के बारे में, नई टेक्निक्स के बारे में, बट जो मेरा एक प्यार था क्रिकेट के लिए वो मेरे ख्याल से भोपाल में ही चालू हुआ मेरा, जब मैं प्रैक्टिस करता था वो पुलिस की टीम के साथ, योगेंद्र वैलो के साथ, मेरे पापा आते थे ऑफिस के बाद देखने मेरी बैटिंग, तो बहुत ही इमोशनल आता है भोपाल के साथ हमेशा। आई मीन आप बिलीव नहीं करोगे, अब सबसे बड़ी बात यही है कि 19 को मेरा मैच खत्म हुआ, 20 की सुबह भोपाल आ गया मैं, बिकॉज मेरी फैमिली यहाँ पे, और भोपाल को मैं अपना ही, मतलब अगर मुझसे कोई पूछे कि 10 साल क्रिकेट खत्म होने के बाद कहाँ रहना है, तो मेरा आंसर रहता है भोपाल, तो ये मेरा शहर है, मुझे लगता है मेरे यहाँ पे अपने लोग हैं, मुझे अच्छा लगता है भोपाल में रहना,
नो डाउट हमारा बॉम्बे में भी एक घर है, वहाँ भी मेरा फ्रेंड सर्कल है, बट भोपाल एक बहुत क्लोज टू द हार्ट एक है, और आई थिंक अगर अपना करियर एंड करूँगा या कहीं सोचूंगा कि सेटल होना है तो भोपाल ही रहेगा, तो भोपाल से मेरा वैसा नाता है। जब भी कोई हाई प्रेशर मैच होता है, वैसे आईपीएल में तो सभी मैचेस लगभग हाई प्रेशर होते हैं, फैंस अपने तरफ से बना लेते हैं कि आरसीबी सीएसके का मैच टफ है, हाई वोल्टेज है, बाकी एक खिलाड़ी के रूप में खिलाड़ी के लिए हर मैच हाई वोल्टेज होता है। ऐसा ही एक मैच था गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स का, तो शशांक उस जीत के बाद कैसा माहौल था मैदान में, ड्रेसिंग रूम में कैसा प्रेशर था, और फिर उसके बाद जो प्रेशर आपने 29 गेंदों में डाल दिया उसके बाद कैसा था आपका माइंड स्टेट, क्या था, क्या आप सोच रहे थे, क्या बातें हो रही थी अपनी टीम के लोगों के साथ? ऑब्वियसली आई मीन अब जीतते हो तो माहौल काफ़ी अच्छा होता है टीम का। उसके पहले हम दो लॉसेस के साथ आ रहे थे, एक बार लखनऊ में हार गए थे और आरसीबी से हार गए थे, तो दो कंसेक्यूटिव लॉस थे हमारे। हम उसके बाद जीते गुजरात में, अवे गेम था हमारा, अवे गेम जीतना हमेशा डिफिकल्ट होता है आईपीएल में, तो वहाँ पर जीते तो काफ़ी अच्छा माहौल था। और सबसे अच्छी बात ये थी कि मैंने कॉन्ट्रीब्यूट किया टीम के लिए, तो मुझे ज़्यादा खुशी थी, बिकॉज कितने बार ऐसा होता है कि आप अच्छा खेलते हो, रन्स करते हो, बट टीम हार जाती है, तो जो कॉन्ट्रीब्यूशन था और विनिंग नोट खत्म हुआ उसके लिए बहुत खुशी थी मुझे। और यही था कि मतलब सब ओनर्स आए हुए थे वहाँ पे, प्रीति मैम थी वहाँ पे, नेस सर थे, तो मतलब ऑब्वियसली आपको एक प्राउड फील होता है कि आप उनकी रिस्पेक्ट अर्न करते हो, ड्रेसिंग रूम की रिस्पेक्ट अर्न करते हो, आई मीन एज एन अनकैप्ड प्लेयर आपकी रिस्पेक्ट लोग करने लगते हैं, लोग जाने लगते हैं आपको, तो काफ़ी मज़ा आया जीतने के बाद। और यही था कि आई मीन हमारा जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ कि हमने स्टैंडिंग्स में हम लोग 9th फिनिश किए हैं शायद से एक बार आईपीएल में, बट हमारे टीम में इतना टैलेंट था ना कि हम लोग डिजर्व करते थे टॉप 4 में फिनिश करना, आई मीन हम वो मोमेंट्स नहीं जीत पाए, बट अच्छा लगा कि हम लोग ने अवे गेम जीता वो गुजरात वाला, और एक हाई प्रेशर गेम था ऑब्वियसली क्योंकि बहुत क्राउड था, आपको मालूम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम वर्ल्ड का और बिगेस्ट स्टेडियम है, पूरा जाम पैक था, और वहाँ पर जीतना एक अच्छा साइन था हमारी टीम के लिए, और काफ़ी अच्छा अच्छा माहौल था टीम का। जब किसी बड़े खिलाड़ी से मिलना होता है, आप अनकैप्ड प्लेयर हैं और ये शायद आपका, चूंकि आप इससे पहले भी आईपीएल में थे, लेकिन ये जो सीजन आपके लिए घटा है, ये सीजन शशांक सिंह को पटल पर इस सीजन ने लाके रख दिया, तो ऐसे मौकों पर जब कोई बड़े खिलाड़ी आपसे मुलाकात करते हैं या आप उनसे ग्राउंड पे मिलते हैं या आउट ऑफ द ग्राउंड आप मिलते हैं, MS धोनी हो गए, रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली हो गए, और भी बड़े खिलाड़ी हैं, तो इस दौरान कैसा मतलब कुछ सीखने मिलता है, प्रेशर को टैकल करने की कोई बातचीत होती है, बल्लेबाजी को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे मैदान में चीज़ों को जो आप पर हावी हो रही हैं उन पर जीत हासिल करें गेम के अलावा? जी बिल्कुल, आई मीन सबसे अच्छी चीज़ तो ये लगती है कि वो जो लोग जाने लगते हैं आपको, जैसे कि मुझे याद है कि 2 साल पहले जब मैं सनराइजर्स में था तो मैं माही भाई से मिलने गया था ड्रेसिंग रूम में मैच के बाद, तो ऑब्वियसली उस मैच में मेरा परफॉर्मेंस कुछ था नहीं क्योंकि मेरी बैटिंग भी नहीं आई थी, उसे फील्डिंग किया था, तो शायद वो मुझे जानते नहीं थे, तो मैंने खुद इंट्रोड्यूस कराया शशांक सिंह सर मैं ऐसे से खेलता हूँ। इस बार जब मैं गया तो वो खुद जानते थे मेरा नाम अच्छे से, मेरा बैकग्राउंड जानते थे, मेरे बारे में सब कुछ जानते थे वो, तो मेरे लिए वो एक अचीवमेंट था कि भाई महेंद्र सिंह धोनी अगर मेरा नाम जानते, मेरे बारे में जानती थी सारी चीज़ें, तो मेरे लिए एक अचीवमेंट था। सेम विद विराट कोहली, अगर ये प्लेयर्स मेरे नाम जान रहे हैं, रोहित शर्मा जो इंडिया कैप्टन मेरा नाम जान रहे हैं, तो मेरे लिए बड़ी बात है। आई मीन एज अ प्रोफेशनल मुझे बोलना नहीं चाहिए बिकॉज मैं खुद ही बोलता हूँ कि वो मेरे अपोनेंट्स हैं, बट मेरे लिए बड़ी बात थी कि ऑफ द फील्ड जब मैं उनके रूम में गया, आई मीन माही भाई के रूम में गया था मैं मैच खत्म होने के बाद, तो उसके बाद मैंने काफ़ी देर उनसे बात की, 1 घंटे उनके रूम में बैठा हुआ था, हम लोगों ने नाश्ता किया साथ में, तो मैं माही भाई से सिर्फ वही अपने क्रिकेट के बारे में पूछा था कि मैं यहाँ से अब मैं नेक्स्ट ईयर आऊँगा तो क्या प्लान्स होने चाहिए मेरे, ये साल पर आपको क्या लगता है कहाँ वर्क होना चाहिए, और जितने ईज से उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई क्रिकेट के बारे में या अबाउट लाइफ ऑल्सो, क्रिकेट तो एक छोटा सा पार्ट है लाइफ का हमारे, हम कितनी बड़ी है लाइफ, तो मुझे कितना मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे कि वो क्रिकेट को कितनी सरलता से देखते हैं और कितना सिंपलिसिटी करके देते हैं चीज़ों को, क्योंकि हम ही लोग हैं जब बहुत कन्फ्यूजन और कॉम्पैक्ट कर देते हैं चीज़ों को, तो जब माही भाई से बात किया मैंने तो उन्होंने कितना सिंप्लीफाई कर दिया चीज़ों को कि बाबा ये चीज़ें ऐसी ऐसी होती हैं और इसी प्रोसेस को फॉलो कर, जो हमेशा वो बात करते हैं इंटरव्यूज में प्रोसेस की बात करते हैं, उन्होंने भी मुझे वही चीज़ें बताई कि कैसे प्रोसेस फॉलो करना है, कैसे प्रेजेंट में रहना ज़रूरी है, तो अच्छा लगता है कि जब आप उनसे एक पॉइंटर ले लो कुछ उनसे, क्योंकि ऑब्वियसली आप 1 घंटे बात करोगे तो वो 10-15-20 चीज़ें बोलेंगे, बट आपको एक कुछ पॉइंटर मिल गया जो आपके क्रिकेट को चेंज कर सकता है, तो आई थिंक दैट इज़ मोर देन इनफ इस लेवल पे। सेम विद विराट भाई, रोहित भाई की जब उनसे आप बात करते हो तो एक अलग कॉन्फिडेंस मिलता है आपको कि वो आपको कितना रिस्पेक्ट करते हैं, आई मीन अगर आप विराट कोहली की रिस्पेक्ट जीत पा रहे हो तो आप कुछ डिसेंट कर रहे हो क्रिकेट में, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि जब मैं उनसे बात कर रहा था और वो मेरी रिस्पेक्ट कर रहे थे जिस तरीके से मेरे बैटिंग स्किल्स की और एज अ पर्सन मेरी रिस्पेक्ट कर रहे थे, तो मुझे लगा कि मैं सही डायरेक्शन पे जा रहा हूँ और सही चीज़ें कर रहा हूँ,
तो अच्छा लगता है। और आईपीएल में बेस्ट पार्ट ये है कि आप इंटरेक्ट करते हो उन प्लेयर्स से जिनको आप टीवी में देखते हो हमेशा से। ऑब्वियसली आपका हमेशा एम होता है उन लोगों के साथ खेलने का, बट ऑब्वियसली वो डेस्टिनी में लिखा होता है कि आप कब खेलोगे उनके साथ। बट आईपीएल के टाइम पे आप इंटरेक्ट कर पाते हो, अपने थॉट्स शेयर कर पाते हो, उनके थॉट्स ले पाते हो, और एक दो जो भी पॉइंटर्स मिल पाए आपको आपके क्रिकेट को इम्प्रूव करने के लिए या आपको एज ए ह्यूमन इम्प्रूव करने के लिए, तो आई थिंक वो बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं इन लोगों के साथ बैठ पाया, खाना खा पाया या कुछ पॉइंटर्स ले पाया इनके, तो वेरी ग्रेटफुल। पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के मैच के बाद जब शशांक की पारी को लेकर शुभमन गिल से पूछा गया था, कैप्टन ऑफ टाइटंस, और शुभमन गिल ने उस मैच में 89 रन ठोके थे नॉट आउट, तो शुभमन ने कहा था कि आईपीएल एक ऐसा मंच है जहां पर शशांक जैसे प्लेयर भी आकर के सिंगल हैंडेडली मैच जिताकर चले जाते हैं। यानी उन्होंने शशांक की उस पारी को अपने दिमाग में कैद रखा और उसकी तारीफ की। तो शशांक, इसी से एक सवाल दिमाग में आया कि जैसे इंडियन अनकैप्ड प्लेयर्स हैं या बाहर के जो प्लेयर्स हैं, तो एक अनकैप्ड प्लेयर के लिए मैदान में धोनी जैसे, रोहित शर्मा जैसे, विराट कोहली जैसे और भी स्टार्क हैं, बहुत विदेशी खिलाड़ी हैं, तो इनके बीच में फिजिकल हेल्थ तो आपको हेल्दी तो होना ही चाहिए, फिटनेस तो होनी ही चाहिए, ये बिल्कुल तय बात है, लेकिन मेंटल हेल्थ इन सिचुएशंस में कितने मायने रखती है, क्योंकि मेंटल हेल्थ ना केवल क्रिकेट के मैदान बल्कि जिंदगी के मैदान में भी इसका बड़ा अहम रोल होता है। तो हम एक स्पोर्ट्स पर्सन होने के नाते आपसे हम जानना चाहेंगे कि मेंटल प्रेशर कैसे डील करते हैं और कैसे डील करना चाहिए। जी बिल्कुल, मैं हमेशा से मानता हूँ कि एट अ सर्टेन लेवल, जिस लेवल पे मैं खेल रहा हूँ, यहाँ पे क्रिकेट इज़ मोर ऑफ अ मेंटल गेम रादर देन फिजिकल गेम, क्योंकि ऑब्वियसली जब मैं अंडर 19 खेलता था या कॉलेज में खेलता था, स्कूल में खेलता था, तो मोर ऑफ स्किल का था कि आपका स्किल सेट अच्छा होना चाहिए। बट आप इस लेवल पे रणजी ट्रॉफी पे या फिर आप आईपीएल खेल रहे हो या इंडिया खेल रहे हो, तो बहुत ज़रूरी है कि मेंटली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रहना और मेंटली एक पीस आउट जोन में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इतनी सारी बातें चलती हैं, इतना प्रेशर होता है, तो इतने हाई वोल्टेज गेम में स्किल तो आपने बचपन से किया हुआ है तो उस पर आपको कॉन्फिडेंस रहता है। मेन होता है कि मेंटली आप कैसे वहाँ पे अपने बॉलर से एक स्टेप आगे जा पाते हो, एज अ बैट्समैन मैं बात कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली उसके लिए हम लोग जैसे साल भर, ये एक दिन का चीज़ नहीं है, हम लोग साल भर विजुलाइज़ करते हैं चीज़ों को, हम वो कंडीशंस पे जहाँ पे खेलने वाले हैं हम लोग उतना विजुलाइज़ करते हैं कि अच्छा ये सिचुएशन आ सकती है, इसमें कैसे बैटिंग करनी है, मेरे सामने मिचेल स्टार्क बॉल डाल सकता है तो मुझे उसे कैसे खेलना है। सडनली कल को उठ के मैं आपको बोलूँगा मिचेल स्टार्क को खेलना है, तो आपने कभी जब अपने दिमाग में उस बॉलर को खेला ही नहीं है, तो आप जब वो आएगा डालने आपको, तो आप हमेशा बैकफुट पे ही रहोगे, आप कभी भी चढ़ के नहीं खेल सकते उस पर। तो ये चीज़ें होती हैं जो हम लोग साल दर साल सालों से हम लोग रिपीट कर रहे हैं, विजुलाइजेशन जो कर रहे हैं हम लोग, योगा की टेक्निक्स करते हैं हम लोग, ब्रीदिंग की टेक्निक्स करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे माही भाई बोलते हैं काम रहना चाहिए, बट काम रहना एक बहुत ही छोटा स्टेटमेंट हो गया काम रहना चाहिए। एज अ प्रोफेशनल आप मुझसे पूछोगे तो काम कैसे रहना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एज अ प्रोफेशनल से मुझे मालूम है कि मुझे सुबह उठ के ब्रीदिंग करना ज़रूरी है, अगर मैं ब्रीदिंग नहीं करूँगा, टेक्निक्स फॉलो नहीं करूँगा, तो शायद मैच पर जब टेंस मोमेंट आएगा, एड्रेनल रश बढ़ेगा, मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर जाएगा, तो मैं अपने आप को काम कैसे रखूँगा। भाई मुझे मालूम है 10 बॉल पे 22 रन करने हैं, मुझे मालूम है 3 छक्के 1 चौके से हो जाएगा, बट वो कौन से बॉल पे 3 छक्के मारने हैं, कौन से बॉल पे 1 चौका निकालना है, कब सिंगल लेना है, कब स्ट्राइक चेंज करना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस से आता है, आप उतने एन नंबर ऑफ मैचेस खेलो, डोमेस्टिक में हम खेलते हैं, हम कंपनी के लिए मैचेस खेलते हैं, उससे आता है वो। बट जो हम रूम में बैठ के मैच के पहले या एक मैच से एक रात पहले जो विजुलाइज करते हैं, हम वो कंडीशंस बनाते हैं कि क्या पता कल 6 ओवर में 60 रन चाहिए हो, तो 10 का रन रेट है, तो कैसे चेंज होगा, मैं अगर किसी बॉलर के साथ बैटिंग कर रहा हूँ तो मुझे कब स्ट्राइक रोटेट करनी है, वो बॉलर मेरे लिए क्या फील्ड सेट कर सकता है, तो मुझे उस फील्ड पर कैसे किस एंगल से खेलना है, ये विकेट कैसा है, बाउंस कितना है, तो ये सब हमारा होमवर्क होता है, जो मेरा नहीं है, प्रोफेशनल लेवल पर सबका होमवर्क होता है। तो मैं अलग नहीं कर रहा हूँ कुछ, आप किसी भी आईपीएल प्लेयर या एक रणजी ट्रॉफी प्लेयर से पूछोगे तो सब लोग एक डायरी मेंटेन करते हैं, सब लोग लिखते हैं कि नेक्स्ट डे हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं, तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, तो वो करना पड़ता है उसके लिए। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बट आप तभी सक्सेसफुल हो गए, आप शायद एक बार सक्सेसफुल हो जाओ बिना कुछ किए, बट अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग रहना है तो आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए मेरे ख्याल से। यानी स्पोर्ट्स पर्सन भी जिंदगी कुछ अंदाज से और कुछ नज़रअंदाज से एक पीस जोन बनाना पड़ता है हाई प्रेशर मैचेस को डील करने के लिए, क्योंकि मैदान पे जो प्रेशर होता है वो सिर्फ परफॉर्मेंस का नहीं होता, ऑडियंस की हुटिंग भी होती है, शोर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपके सामने मिचेल स्टार्क जैसा बल्लेबाज गेंदबाज हो, जोफ्रा आर्चर जैसा गेंदबाज हो, भुवनेश्वर कुमार जैसा गेंदबाज हो, तो फिर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो प्रेशर आ जाती है। तो जैसा शशांक ने बताया कि उसके लिए एक पीस जोन खुद के लिए बनाना है, यानी कुछ अंदाज से कुछ नज़रअंदाज। एक मेरे दो सवाल हैं भाई, पहले भी आपको खेलते हुए सबने देखा है, इस बार के सीजन में जो है दो बदलाव मुझे नज़र आते हैं, एक तो आप पावर हिटिंग की तरफ गए इस बार, पहला ये, दूसरा ये जो है कि आपका फुटवर्क जो है फॉरेन बैट्समैन की तरह नज़र आता है, जो है मतलब आप बिल्कुल क्रीज में नहीं खड़े होते हैं, जो है मूवमेंट नज़र आता है, तो ये
कहाँ से इस बार आप बदलाव लेके आए, जो है पिछली बार के सबक से लिया या इस बार था कि मुझे अग्रेसिव नेस के साथ ही खेलना है? जी, जो पहली पावर रेटिंग की बात है, ऑब्वियसली ऑफ सीजन जो था, लास्ट ऑफ सीजन में आईपीएल भी नहीं था लास्ट ईयर, तो मैंने पावर रेटिंग पे काफ़ी वर्क किया। मैं बहुत लकी था कि जो एस आर एच में था, मैं ब्रायन लारा हमारे बैटिंग कोच थे वहाँ पे, तो ऑब्वियसली मेरा उनसे काफ़ी अच्छा रिलेशन है। तो मैं उनसे पूछा था कि अपना गेम में ए से बी में कैसे लेके जाऊँ, एक लेवल ऊपर कैसे लेके जाऊँ, तो उन्होंने मुझे बताई थी चीज़ें कि कैसे मैं एज अ पावर हिटर कैसे मैं ट्रेनिंग कर सकता हूँ या कैसे मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ जहाँ पे अपना गेम एक लेवल से दूसरे लेवल लेके जाऊँ। बट जो दूसरी चीज़ है इसी को लेके कि मुझे बैटिंग भी शायद से ऊपर मिल रही है इसमें, जब मैं SRH में था तो मैं शायद 7 नंबर बैटिंग कर रहा था, तो उतने बॉल्स नहीं मिल रहे थे, मैं जा रहा था तो 8 या मैक्सिमम मैंने 12-13 बॉल्स खेले थे उस सीजन में एक इनिंग में। यहाँ पे क्या, मैं बैटिंग थोड़ा ऊपर कर रहा था एक नंबर, शायद हमारी टीम का पोजीशन भी उतना अच्छा नहीं था कि 3-4 विकेट जल्दी गिर जा रहे थे, तो मेरे पास ज़्यादा लंबे ओवर्स थे, तो मुझे अपनी इनिंग्स पेस करने का मौका मिल रहा था, तो इसलिए वो पावर रेटिंग और अच्छे से निखर के आए। बिकॉज जब आप थोड़ा विकेट पर टाइम स्पेंड करते हो, बाउंस जज करते हो, आपके पास वो सर्टन नंबर ऑफ ओवर्स होते हैं, तो आप प्लान कर सकते हो कि इनिंग्स कैसे खेलनी है, किस बॉलर को टारगेट करना है, किसको नहीं करना है, तो एक वो अच्छी चीज़ हुई मेरे साथ ये। दूसरा, जो फुटवर्क की बात कर रहे हो, ऑब्वियसली अगेन जब मैं SRH पे था तो मैं स्पिनर्स को थोड़ा सा ब्लॉक होता था, मैं उतने ईजिली सिंगल नहीं ले पाता था, ये टेक्निकल पॉइंट बोल रहा हूँ थोड़ा सा मैं। तो जब मैं अपने होम स्टेट में आया, अपने कोच जो हमारे स्टेट कोच हैं हितेश गोस्वामी, उनसे मैंने बात किया कि मैं क्या बेटर कर सकता हूँ, तो भाई हमारी फुटवर्क की बात हुई कि ऑब्वियसली मेरा हेड अच्छा है, बैलेंस अच्छा है, बट थोड़ा फुटवर्क करूँगा मैं तो प्रेशर बॉलर पर रहेगा, तो मेरे वो सिंगल्स जो ब्लॉक हो रहे हैं वो सिंगल्स बनेंगे ईजिली। तो हमने भाई इस बार काफ़ी ऑफ सीजन में काफ़ी ट्रेनिंग की, अच्छी ट्रेनिंग की हम लोगों ने, उसी का नतीजा है। और ऑब्वियसली डोमेस्टिक मैचेस जो हमने खेले विजय ज़ारे और मुश्ताक अली, तो ज़रा टफ कंडीशंस में खेले, थोड़े स्टर्निंग विकेट से, ग्रिपिंग विकेट से, तो जब वहाँ पे मैं खेल पाया अच्छे से, तो आईपीएल में काफ़ी बेटर विकेट्स होते हैं, तो इसलिए मुझे काफ़ी इजी लगा आईपीएल में भी खेलना। एक ये जो है, सैम करन अच्छे कप्तान हैं या शिखर धवन? जी सर, ये तो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, दोनों अपनी अपनी जगह अच्छे कप्तान है। शिखर भाई बहुत ही एक्सपीरियंस कैप्टन है और सब जानते हैं कि वो लेजेंड है आईपीएल के, तो अपनी जगह वो बहुत अच्छे कप्तान है, काफ़ी मेंटली पीस आउट पर रहते हैं और फ्रीडम देते हैं। सेम विद सैम थोड़ा एग्रेसिव कैप्टन है, बिकॉज वो इंग्लैंड चाहता है और इंग्लैंड हमें मालूम है कैसे खेल रहा है आजकल क्रिकेट, थोड़ा एग्रेसिव कैप्टन है वो, और यंग है तो थोड़े फियर्सली वो जाते हैं और फ्रीडम देते हैं प्लेयर्स को, तो दोनों अपनी जगह पर अच्छे कप्तान है। ऐसे सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि मेरा शायद पॉइंट ऑफ व्यू इस ग्लास को लेकर अलग होगा, आपका अलग होगा, तो दोनों अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, दोनों ने प्रूवन कैप्टन है, दोनों सैम करन भी प्रूवन कैप्टन है, शिखर भाई भी प्रूवन कैप्टन है, तो अपनी जगह दोनों ही बेस्ट है मेरे ख्याल से। शशांक, जैसा कि अभी आपने बताया कि डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत ज़रूरी है, अगर आप यहाँ तक पहुँचे उसमें डोमेस्टिक क्रिकेट का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन आईपीएल शुरू होने के पहले कुछ खबरें ऐसी आई थी कि जिसमें जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं वो डोमेस्टिक नहीं खेल रहे हैं। अब मैं नाम नहीं लूँगा उन लोगों का, लेकिन फिर आप इसको कैसे देखते हैं, अगर वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं तो वो ज़्यादा सही है कि आईपीएल ज़्यादा सही खेलना? करेक्ट नहीं सर, ये मेरा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। आप जिन क्रिकेटर्स की बात कर रहे हैं, शायद से वो इंडिया को एक समर ऑफ सीरीज खेले थे, उनका माइंडसेट क्या था या उनके प्रॉब्लम्स क्या थे, तो हम उस पर्सनल बात पर नहीं जा सकते कि उन्हें क्या मतलब उनका पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। एज अ डोमेस्टिक क्रिकेटर जैसे मैं बोलूँगा, जैसे मैं सूर्या का एग्जाम्पल देता हूँ आपको, कि जब सूर्या इंडिया खेला या आईपीएल में उसने इतना रन किया, तो वो शायद से एक ग्लोबल स्टेज में सब लोगों को पहली बार देखा, बट मैं उसके साथ बचपन से 19 से खेला हूँ, मुझे मालूम है कि हमेशा से कैपेबल था उस चीज़ को लेके, और जब वहाँ पे उसने परफॉर्म किया तो मुझे कुछ नया नहीं लगा, बिकॉज वो उतने नंबर ऑफ रन्स करके आया था डोमेस्टिक क्रिकेट में, इसलिए वहाँ पे इजीली प्रूफ हो पाया वो। अब आप जो क्रिकेटर्स की बात कर रहे हैं कि जो नहीं खेले डोमेस्टिक क्रिकेट, उनका माइंडसेट क्या था, उनका मेंटल फिटनेस लेवल क्या था, जैसे मैंने आपको बताया कि क्रिकेट एक मेंटल गेम है, तो आपको मेंटली एक अच्छे जोन में होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं मेंटली अच्छे जोन में नहीं हूँ और आप मुझे मैच खिलाते रहोगे, तो शायद से मेरा परफॉर्मेंस नीचे जाएगा, और मेरा परफॉर्मेंस नीचे जाएगा तो मैं टीम को पीछे ला रहा हूँ। तो बहुत ही एक थिन लाइन है कि आपको मेंटली भी उस जोन में होना बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे जोन में रहो, कि आप कंट्रीब्यूट कर पाओ टीम को, बिकॉज एंड ऑफ द डे टीम गेम है। अगर आप खुद मेंटली अच्छे जोन में नहीं हो और आप ज़बरदस्ती मैच खेल रहे हो, तो आप अपने टीम को लेट डाउन कर रहे हो। तो उस प्लेयर का क्या माइंडसेट था उस समय, उसका मेंटल फिटनेस कितना ऊपर था, उसने मेंटल ब्रेक मांगा तो उसके पीछे क्या रीजंस थे, वो जानना इंपॉर्टेंट है। रादर अगर हम सिर्फ पुश कर रहे हैं कि भाई खेलना चाहिए, बिकॉज एंड ऑफ द डे मेरे ख्याल से मेंटल गेम है, और अगर आप मेंटली अच्छे जोन में नहीं हो तो बहुत डिफिकल्ट है इस गेम में सर्वाइव करना। थोड़ा सा वापस आते हैं उसी पे जो नीलामी हुई थी उस टाइम पे। जी जी। और तो उसमें ये था कि आजकल जो ट्रोलिंग होती है, हाँ, खासकर सोशल मीडिया पर, तो जब उस टाइम पे ही चल रहा था कि नहीं शशांक दूसरे शशांक हैं, वो नहीं है, तो उस टाइम पे आपने अपने को कैसे संभाला था? जी बताऊँ, बहुत अच्छी बात थी उस समय ये कि मैं किसी सोशल साइट पर नहीं था, ना इंस्टाग्राम पर था, ना फेसबुक पर था, ना व्हाट्सएप पर ज़्यादा एक्टिव था, मैं कहीं भी एक्टिव नहीं था।
तो इसलिए मुझे मालूम पड़ा कि आई मीन थोड़ा ट्रोलिंग हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जो कुछ आपको मालूम कैसे पड़ा था कि ट्रोलिंग? ये व्हाट्सएप पे जो अपने ग्रुप होते हैं फ्रेंड्स के, वो जानबूझ के भेजते हैं थोड़ा सा फिंच करने के लिए। बट इसमें सबसे अच्छी बात थी वो मेरी बहन थी इसमें, कि मेरी बहन मुझसे रहा क्रिकेट फॉलो करती है, टू बी ऑनेस्ट। वो खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर है और जीसी में काम करती है, तो सबसे ज़्यादा बुरा उसको लगा था क्योंकि मैं तो एज ए प्रोफेशनल लड्डू कर देता हूँ चीज़ें। मेरी आदत है कि बाबा कोई कर भी रहा ट्रोलिंग तो करे, अगर उसको खुशी मिल रही है उसमें तो। बट मेरी बहन बहुत दिल पर लगा रखती है, तो जितनी भी जहाँ भी ट्रोलिंग हुई थी ना, आज भी उसके बाद सब कुछ इंस्टाग्राम या प्रिंटआउट सब सेव्ड है। और उससे मुझे एक ही चीज़ बोली थी, उसने मुझे कुछ भेजा नहीं, उसने एक ही चीज़ कही थी कि मुझे मालूम है कि तुम स्टार बनने वाले हो, और फिर मैं मेक श्योर करूँगी कि सबको मैं वापस ये ट्रोल जिन्होंने किया है उनको वापस मैं बताऊँ कि तुम कौन हो। और जब मेरे परफॉर्मेंस होने लगे तो मुझे अभी भी याद है कि लिटरली मैंने तो खुद देखा नहीं है, बट मुझे मालूम पड़ता है लोगों से कि मेरी बहन हर जो ट्रोलर था जिसने मुझे ट्रोल किया, मैं रीच आउट करती थी उनको दिखाने के लिए कि मैंने क्या परफॉर्मेंस किया। तो वो चीज़ें बहुत दिल पर रखती है, दिल पर लेती है। बट मैं बिल्कुल अपोजिट हूँ, मुझे दिल पर लेने की आदत नहीं है, मैं लेट गो कर देता हूँ, मूव ऑन हो जाता हूँ। कि मुझे लगता है कि जब मैं अच्छा करता हूँ तो लोग मेरी तारीफ भी बहुत करते हैं, तो वो भी दिल पर नहीं रहता हूँ मैं। बिकॉज ये सब चीज़ें एक है कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, मैं आज अच्छा कर रहा हूँ तो लोग मेरी वाहवाही करेंगे, मैं बुरा करूँगा तो वही लोग मेरी बुराई करेंगे, तो इसको दिल पर लेने का मतलब नहीं है। बट मेरी बहन अपोजिट है, जब मेरे कोई बुराई कर रहा है तो वो दिल पर बहुत ज़्यादा लेती है, और ऑब्वियसली जब मेरी कोई अच्छाई कर रहा है तो वो भी दिल पर बहुत लेती है। तो इसमें हम अलग हैं, बट हाँ मेरी बहन को बहुत दिल पर लगा था हेट रोल्स और वो सब, और उसने वो सब सेव करके रखा हुआ था, और जब जब मेरे परफॉर्मेंस होना चालू हुए तो उसने हिट बैक करना चालू किया उन लोगों पे। बट आई मीन वो अलग पर्सन है, मैं अलग पर्सन हूँ। बट हाँ ये मुझे इतना ही मालूम है कि थोड़े ट्रोल्स हुए थे और मेरी बहन को बहुत दिल पे लगा था। नहीं तो आपने उनको जवाब भी दिया ना अपने बैटिंग से, मुझे याद है मैं अपनी शिफ्ट खत्म करके जब घर गया था तब आप बैटिंग कर रहे थे जी। वो मतलब मैंने जवाब बताऊँ, मैंने जवाब किसी को दिया, मैंने उन लोगों को सही प्रूफ किया जिन्होंने ट्रस्ट किया मेरे पर। बिकॉज सी एंड ऑफ द डे मैं आपको जैसे बोल रहा हूँ कि क्रिकेट एक रिलीजन है इंडिया में, लोग इतने इमोशनल हैं, मैं खुद इमोशनल हूँ। जैसे अब मैं वर्ल्ड कप टीवी पे देखूंगा तो मैं खुद बोलूंगा यार कैसे आउट हो गया, क्यों आउट हो गया। बट ऑब्वियसली जब मैं खुद फील्ड पर जाता हूँ ना, मुझे मालूम है कितना प्रैक्टिकल और कितना मेंटल गेम है। तो इमोशनल है लोग, आपको इतना सर पर भी चढ़ा लेते हैं भाई, जैसे मैंने रन किया तो सर पर भी चढ़ाया मुझे। तो मैंने मुझे किसी को गलत प्रूफ नहीं करना था, बस मुझे खुशी इसी बात की थी कि जो लोगों ने मुझे बैक किया मैंने उन्हें सही प्रूफ किया, और ऑब्वियसली जो मुझे गलत देखते हैं शायद उनको मैंने गलत प्रूफ नहीं किया बट अपने तरफ खींचा उनको कि भाई मैं कर सकता हूँ बैटिंग। तो मेरे लिए तो वही खुशी की बात है, बाकी ऑब्वियसली आगे भी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होंगी, शायद नेक्स्ट मैच में वापस जीरो पे आउट हो जाऊँ मैं तो ट्रोलर्स तो फिर भी बोलेंगे। तो उसको दिल पर नहीं ला सकते उतना यार, वो भी आपके कहीं ना कहीं विल मेशर है कि कहीं ना कहीं आपके भले के लिए सोच रहे हैं वो लोग भी। तो आपको एज अ प्रोफेशनल हमेशा वो बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है। अच्छा शशांक, डोमेस्टिक क्रिकेट का कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपका जो शेयर करना चाहते हैं आप? जी डोमेस्टिक क्रिकेट के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है, यही साल का एक्सपीरियंस है कि जो जैसे मैं बता रहा हूँ उन्हें कि डोमेस्टिक क्रिकेट का जो फॉर्म लेके आया था मैं, ये साल मेरा टच वर्ल्ड वाइट बॉल क्रिकेट बहुत अच्छा गया था। मैं इंडिया का टॉप 5 रन गेटर्स में था विजय हजारे के, मैंने बैक टू बैक 2 150s किए। तो ऑब्वियसली जब आप डोमेस्टिक में खेलते हो तो आपको आइडिया आता है कि आपको रन कैसे करना है, बिकॉज डोमेस्टिक बिल्कुल भी आसान नहीं है खेलना। आई मीन आप टफ डिफरेंट कंडीशंस में खेलते हो जहाँ बॉल टर्न होता है, सुबह 9 बजे का स्टार्ट होता है तो बॉल स्विंग होता है वहाँ पे, प्लस क्वालिटी ऑफ क्रिकेट अपना बहुत ही ऊपर है, बहुत अच्छा है। तो जब आप वहाँ रन करके आते हो तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आता है, तो आई थिंक वो कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी था। और ये साल जब मैंने वो मणिपुर अगेंस्ट 150 किया, फिदरो अगेंस्ट 150 किया, तो वो कॉन्फिडेंस मेरे दिल पर बहुत मतलब बहुत आई थिंक रहा है, और आई मीन आईपीएल में उसका काफ़ी फ़ायदा मिला है मुझे। आपकी बहुत मेहनत है यहाँ तक पहुँचने में, और हमारे देश में तो लगभग हर बच्चा जब बैट पकड़ता है तो ये सोचता है कि क्रिकेटर बनना है, क्रिकेट खेलना है। तो जो ऐसे यंगस्टर्स हैं उनके बारे में कुछ कहेंगे, कुछ टिप्स देंगे उन्हें? जी मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, आई मीन मेहनत सब कर रहे हैं, आई मीन इसमें कोई दो राय नहीं है। आई मीन मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ आपको, तो मेरे ख्याल से सबकी कुछ ना कुछ स्टोरी होगी, आपकी आपके प्रोफेशन को लेकर कुछ स्टोरी होगी। तो पहली बात तो वो रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है सबकी स्टोरी, क्योंकि हमें कभी कभी लगता है कि आज मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ तो भाई सबसे ज़्यादा स्ट्रगल मैंने किया है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर बंदे की लाइफ में, चाहे वो क्रिकेटर हो चाहे नॉन क्रिकेटर हो, स्ट्रगल सबके लाइफ में रहता है। बट मैंने हमेशा से ये चीज़ रियलाइज़ किया है, मेरी फैमिली ने मुझे बोला है कि हमेशा से सपने देखना बहुत ज़रूरी है, ड्रीम टू ड्रीम बिग एंड ड्रीम्स डू कम ट्रू। तो मैंने हमेशा से सपना देखा था कि मैं अच्छा क्रिकेटर बनूंगा, हाईएस्ट लेवल पे खेलूंगा, इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा। मे बी मैं शायद लेट हो गया होऊंगा कि मैं जो चीज़ मैं 2 साल पहले चाहता हूँ वो 2 साल बाद में मिली होगी मुझे, बट मिली मुझे वो इंपॉर्टेंट है, और आगे भी जो मैं चीज़ चाहता हूँ मिलना है वो मुझे मिलेगी ज़रूर, मुझे इतना बिलीफ है अपने ऊपर। तो वो बिलीफ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है उस सपने को लेके, क्योंकि वो आपको और आपके सपने का बबल है, ना आपकी फैमिली आती है, ना फ्रेंड्स आते हैं, ना कोई आता है, वो आपको और आपका सपना है। तो सपने पे बिलीव रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और सपना देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं हमेशा से आज भी वही सपना देखता हूँ, और यंगस्टर को मैं वही बोलूँगा कि सपना ज़रूर देखो और सपने पे बिलीव करो। आई मीन बाहर की नॉइसेस बहुत आई कि नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएगा, बट हमें मालूम होता है कि हम कर सकते हैं, तो बिलीव रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपके पापा IAS ऑफिसर हैं
आईपीएस ऑफिसर हैं, तो कभी आपको लगा नहीं कि मुझे भी आईपीएस बनना है? बताऊँ, इस मामले में टचवुड बहुत लकी था कि पापा का हमेशा से मैं बोला कि सपना था कि मैं क्रिकेट बनूँ। मेरा कभी सपना था ही नहीं, जब मैं 12-13 साल का हो गया तब मेरा जाके शायद सपना बना कि मुझे क्रिकेट खेलना है प्रोफेशनली। बट हमेशा से घर पे मेरी मम्मी पापा, मेरी बहन और अभी रिसेंटली मेरे जिया जी, वो लोग मुझे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जैसे कि अभी लास्ट ईयर मैं आईपीएल में नहीं था, तो मैं बहुत सेटबैक में था कि यार आईपीएल नहीं हुआ, ये एक्सपायर जेड, अभी क्रिकेट खेलना है नहीं खेलना है क्या है। तो मुझसे ज़्यादा वो लोग ज़्यादा सपोर्टिव थे कि मुझे लंबे लंबे मेल करते थे, मैसेज करते थे कि भाई तेरे में टैलेंट है, तेरे में एबिलिटी है, तू खेलेगा। तो आई मीन वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपका होता है लेट डाउन होता है कि आपका क्रिकेट अच्छा नहीं चल रहा है, बट ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए हमेशा से मुझे फादर से, मेरी मदर से, मेरी बहन से मुझे सपोर्ट मिला है कि मेरे में कैपेबिलिटी है, उन्होंने ट्रस्ट किया मेरी एबिलिटीज पे कि मैं हाईएस्ट लेवल खेल सकता हूँ, इसलिए आज मैं हूँ जहाँ भी हूँ। सर, ट्रोल से याद आया, मुंबई इंडियंस का कप्तान बनने के बाद हार्दिक पांड्या को बहुत ट्रोल किया गया, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर स्टेडियम। तो आपका द सूत्र के माध्यम से उन ट्रोलर्स को क्या जवाब है? जी, वो हार्दिक पांड्या का इंसिडेंट सर, तो आई मीन मुझे जो पर्सनली लगता है कि जो भी हुआ वो इसमें हार्दिक पांड्या का पर्सनली क्या गलती था मुझे मालूम नहीं उसमें। आई मीन ऑब्वियसली लोग बोल सकते हैं क्योंकि लोगों का हक है बोलना, भाई इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप फ्रीडम टू स्पीच है, आप बोल सकते हो किसी के बारे में जो चाहो बोलो। बट ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है कि मैं उस टीम का हिस्सा नहीं हूँ, मुझे मालूम नहीं कि उस टीम में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो मैं पर्सनली कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ। बट एज अ थर्ड पर्सन जब मैं देखता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कि अच्छा हार्दिक पांड्या क्या गलती है, मतलब मुझे ऐसा गलती कुछ मालूम नहीं पड़ता है। आई मीन अगर होगा भी कुछ गलती तो मुझे नहीं मालूम है कि क्या गलती है उसका। तो एज अ थर्ड पर्सन जैसे आप और मैं एक ही बोट पे हैं अभी, क्योंकि ना मैं उस टीम का हिस्सा हूँ, ना मैं उस मैनेजमेंट का हिस्सा हूँ, ना मैं किसी को जानता हूँ उस मैनेजमेंट से कि उनका क्या डील हुआ और क्या प्रॉब्लम्स हुई और लोग क्यों उसको इतना बू कर रहे हैं। बट जब मैं बाहर से देखता हूँ तो मुझे यही लगता है कि यार इंडिया के लिए तो इसने अच्छा ही किया है जो किया है, और आई मीन मेरा पूरा विश है कि वो वर्ल्ड कप में जाए और अच्छा करे। मैं उसको पर्सनली बहुत नहीं जानता हूँ हार्दिक को, मैं अगेंस्ट में खेला हूँ बस उसके, बट जो भी है वो इंडिया को कप जिताए मेरा तो यही उम्मीद है, एंड अच्छा करे अपनी लाइफ में। सर, मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिकेट से हटके होगा, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में होगा। इतने बिजी शेड्यूल के बाद भी आप अपनी पर्सनल लाइफ के लिए कैसे टाइम निकालते हैं? मैम, सबसे इंपॉर्टेंट है पर्सनल लाइफ के लिए टाइम निकालना, बिकॉज क्रिकेट एक ऐसा प्रोफेशन है कि आपको वो हमेशा 24 आवर्स बिजी रह सकता है, क्योंकि आप 0 पे आउट हो गए तो आप दिन भर वही सोचते रहोगे, आप 100 करोगे तो आप दिन भर वही सोचते रहोगे कि भाई मैंने कितना अच्छा खेला। तो बहुत ज़रूरी है वो बैलेंस आना कि जब आप एज अ प्रोफेशनल, जैसे मैंने तो ये चीज़ रिलाइज़ की जब मैं राजस्थान रॉयल्स में था और एक मैच हम लोग हार गए थे, RR वर्सेस CSK का मैच था, हम लोग मैच बहुत क्लोज, 1 ओवर 22 से ये था, जडेजा ने मार दिया, तो मैं बेंच स्ट्रोक्स और स्टीव स्मिथ के साथ बैठा हुआ था। बेंच स्ट्रोक्स इंग्लैंड का है, स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया का है, तो वो लोग बहुत चिल थे, बहुत नॉर्मल थे, और मैं वो मैच खेला भी नहीं था, मुझे बहुत लगता है कैसे हार गए, मैच 22 रन कर दिया, जडेजा ने मार दिया, जोफ्रा आर्चर को मार दिया, क्यों मार दिया। तो उन लोगों ने मुझे एक ही चीज़ बोली कि बड़ी दिस इज़ अ प्रोफेशन, टेक इट एज अ प्रोफेशन। जैसे आप 9 to 5 जॉब करते होगे, आपका जो एक मीडिया का प्रोफेशन है कि आपको एक नंबर ऑफ आवर्स काम करना है, वैसे ही उसने बोला कि टेक इट एज अ प्रोफेशन। अगर बहुत दिल पे लगा के लेगा ये चीज़ ना, तो अपना जब रन नहीं करेगा तो बहुत नीचे चले जाएगा, और जब रन करेगा तो बहुत ऊपर चले जाएगा, वो बैलेंस कभी मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो मैंने रियलाइज़ किया कि यार हम लोग इंडियंस बहुत इमोशनल होते हैं, तो वो चीज़ों से कभी जाएगी नहीं। मैं अभी भी सोचता हूँ बहुत चीज़ों के बारे में, बट ट्राई करता हूँ कि इस गेम को जितना एज अ प्रोफेशनल ले पाऊँ वो अच्छा है, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा सोचने लगूंगा तो फिर मैं बहुत पीछे जाऊंगा इस गेम से। अगर बहुत अच्छा करूंगा तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस जाऊंगा, बहुत खराब करूंगा तो बहुत अंडर कॉन्फिडेंस जाऊंगा। तो इसलिए मैं मेक श्योर करता हूं कि भाई जो मेरा एक बबल है, मेरी फैमिली है, मेरे एक छोटा सा फ्रेंड सर्कल है मेरा, जिनके हमें चिल करना पसंद है, बाहर मूवी जाना, रेस्टोरेंट जाना पसंद है, वो चीज़ मैं रन करूँ चाहे ना करूँ वो चीज़ मैं करूँ। क्योंकि चार आप मुझे 5 साल पहले क्वेश्चन पूछते तो मैं एक ऐसा बंदा था कि जब रन नहीं करता हूँ तो मैं फ़ोन नहीं उठाता था, और जब रन करता हूँ तो हर जगह इंस्टा पे इधर उधर पोस्ट डालता रहता था। तो बट जब IPL हुआ, लोगों से मिला, स्पेशली फॉरेनर्स से मिला, तो रियलाइज़ किया कि इस गेम को एज अ प्रोफेशनल लेना कितना इम्पॉर्टेंट है, राधा ने के इमोशनल वे में लेना। तो आई थिंक अब मैं इसको एज अ प्रोफेशनल लेता हूँ और मेक श्योर करता हूँ कि मैं रन्स करूँ कि ना करूँ, जीते कि हारे, मेरा वो जो बबल है, जो मेरा सेट ऑफ फ्रेंड्स है, मेरी फैमिली है, उनको वो टाइम दूँ, मेरा करियर के अलावा भी जो प्लान्स है मेरे उस पर सोचूँ थोड़ा सा, तब वैसा प्लान करता हूँ मैं। मेरे इस क्वेश्चन से शायद कुछ लड़कियों का दिल भी टूटने वाला है, तो आप किसी को डेट कर रहे हैं क्या? मैम ये तो बहुत पर्सनल क्वेश्चन हुआ, बट मैम जब करूंगा तो पक्का मालूम पड़ जाएगा सबको। मैम शशांक, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, हम लोगों को एक प्राइड मोमेंट दिया आपने, मध्य प्रदेश वालों को। मेरा सवाल क्रिकेट से थोड़ा सा हट के एक ये है कि IPL ने एक सपना जगाया है पूरे हर घर में बच्चे को कि क्रिकेट में जाके भी वो
अपना करियर बना सकते हैं और आप उसके बिल्कुल लेटेस्ट उदाहरण भी हुए भोपाल एएफपी के लिए, क्या आप कहोगे जो नए बच्चे क्रिकेट की तरफ थोड़ा सीरियस सोचते हैं? ये क्रिकेट एक ऐसा गेम है कि ये गैम्बल है क्रिकेट मेरे ख्याल से। आई मीन मेरे फैमिली ने गैम्बल लिया था जब मैंने क्रिकेट प्रोफेशनली स्टार्ट किया था। ऑब्वियसली क्रिकेट इवॉल्व हुआ उसके बाद, अभी जो कॉम्पिटिशन हो गया, अब जब मैं देखता हूँ किसी अंडर 19 के प्लेयर को या अंडर 22 के प्लेयर को, तो मैं अपने आप को जब देखता हूँ तो मैं बहुत पीछे रह गया था उनसे। आई मीन जब मैं एक पृथ्वी शॉ को या यश झुल को देखता हूँ, जब वो जो अभी चीज़ें कर रहे हैं, जो टैलेंट है उनमें, और जो मेरे में शायद उनके आसपास भी टैलेंट नहीं था, तो क्रिकेट एक बहुत फास्ट मूविंग गेम हो गया, एक इवॉल्विंग गेम हो गया है, और साथ ही साथ एक एक्सपेंसिव गेम हो गया है बहुत। क्योंकि आप मानो ना मानो, क्रिकेट के बैट्स 1.5 लाख के आते हैं, क्रिकेट की कोचिंग बहुत एक्सपेंसिव हो गई है, क्रिकेट के स्पाइक्स बहुत महंगे आते हैं, तो एक्सपेंसिव गेम है। तो आई मीन ये आप दोनों तरफ से बात कर सकते हो कि अगर आप में टैलेंट है, आप अच्छा करोगे तो आप बहुत ऊपर तक जाओगे, बट सेम टाइम पे वो एक गैम्बल भी मुझे लगता है कि कंपटीशन इतना है। और मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि 19-20 का है कंपटीशन, में सभी 20 है, और आपका लक, आपके स्टार्स बहुत ज़रूरी है मैच होना। बिकॉज जब मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ कि मैं आईपीएल ऑक्शन में सेलेक्ट हुआ, तो मुझे लगता है कि मेरे से अच्छे या मेरे जितने लोग भी बहुत होंगे, बट शायद उस दिन मेरे स्टार्स बराबर मैच कर रहे होंगे, इसलिए मैं आईपीएल ऑक्शन में हुआ। क्योंकि मैं एक बार भी ये नहीं बोलूंगा कि यार उस प्लेयर से मैं बहुत अच्छा हूँ इसलिए मैं हुआ। ऐसे बहुत प्लेयर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, क्योंकि मैं फॉलो करता हूँ, और वो आईपीएल आराम से खेल सकते हैं, बट शायद से वो लक फैक्टर जो बोलते हैं, जो क्रिकेट में सबको मालूम है, बट उनका लक्ष्य उनके स्टार्स बराबर टाइम पे नहीं मैच कर रहे हैं, इसलिए वो नहीं खेल पा रहे। तो बहुत बड़ा गैम्बल है, बट ऑब्वियसली लाइफ भी एक गैम्बल ही है, तो आप कह सकते हैं गैम्बल अगर आपको लगता है वो चीज़। तो आपका अगर दिल बोल रहा है कि आप खेल सकते हैं, तो आप बिल्कुल लेना चाहिए वो गैम्बल, उसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर आप ले रहे हो गैम्बल, तो मेक श्योर कि आप उस गैम्बल के लिए पूरे सपोर्टिव हो और अपना पूरा 100% दे रहे हो। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, जो मैंने देखा है क्रिकेटर्स को, कितने क्लब क्रिकेटर्स को, कि वो क्रिकेट में घुस तो गए हैं, बट उसको सिर्फ कि खेलने के लिए खेलते हैं, तो उससे नहीं होती चीज़ें। अब इतना प्रोफेशनल हो गया है गेम कि आपको उतने नंबर ऑफ आवर्स स्मार्टली मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं इसलिए स्मार्टली बोल रहा हूँ क्योंकि क्रिकेट एक बहुत स्मार्ट गेम है। हम बोलते थे पहले प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट आज के जनरेशन में चेंज हो गया प्रोवर्ब, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आपको प्रैक्टिस भी उतने स्मार्टली, उतने परफेक्टली करनी पड़ेगी कि आप एक्स वाई जेड लेवल पहुँच पाओ। एक छोटा सा सवाल और था कि आईपीएल के इतने सारे मैच होते हैं और हर स्टेट में होते रहते हैं, बीइंग नागरिक की बात कर रहा हूँ एज ए स्पोर्ट्समैन, भोपाल में कोई आपकी इच्छा है या इस तरह का होना चाहिए? बिल्कुल यार, एमपी में मतलब इंदौर में होते थे मैचेस अपने, पंजाब से ही मैचेस होते थे, तो भोपाल में उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मतलब मुझे मालूम है कि भोपाल मेरा होम टाउन है, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं जो मुझे चाहने वाले हैं, तो अगर भोपाल में मैच हो जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। बट ऑब्वियसली टाइम लगेगा इस चीज़ को, मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल स्टेडियम भी अपने भोपाल में, होपफुली इंदौर में हमें जल्दी मैचेस मिलेंगे, जिस तरीके से बीसीसीआई काम कर रहा है कि हम लोग धर्मशाला में खेले, हम लोग गुवाहाटी में खेले, विशाखापट्टनम में दिल्ली के मैचेस हुए, तो छोटे वेन्यूज़ में मैचेस हो रहे हैं, तो होपफुली इंदौर को भी मैचेस मिलेंगे, और जब भी भोपाल में स्टेडियम बनेगा तो यहाँ भी मैचेस मिलेंगे, तो हम होप कर सकते हैं कि होपफुली हो थोड़ा सा। हेलो सर। हेलो मैम। सर मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है कि हम यंगस्टर्स जो हैं बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं किसी भी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के, तो जब आप सनराइजर्स हैदराबाद में थे, आपने बहुत अच्छा खेला था, लेकिन नेक्स्ट ईयर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो उस समय आप कैसे अपने आप को मोटिवेट रखा था आपने? मैम बहुत बुरा लगा था। आई मीन मुझे अभी भी याद है कि मैं दिल्ली में था और आईपीएल का ऑक्शन हो रहा था और मेरा नाम कहीं नहीं आया, तो मैं लिटरली बहुत रोया था। मम्मी को फ़ोन किया, पापा को फ़ोन किया कि अब क्या करूँ, क्रिकेट छोड़ देता हूँ, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। बट आई मीन फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट था स्पेशली, क्योंकि फैमिली ने हमेशा मुझे उतना सपोर्ट किया है, बैक किया है। तो फैमिली हमेशा से, जैसे मैंने बताया आपको कि मुझे मैसेज करते थे कि मेरे में वो एबिलिटी है, ट्रस्ट है, उन्होंने ट्रस्ट दिखाया मेरे पे, वो इंपॉर्टेंट है। फिर लेटली मुझे भी लगने लगा कि यार मैंने एक सपना देखा है, जैसे मैंने पहले बोला था आपको कि ये सपना मेरा, ये मेरे और सपने की बात है बस, ना कोई थर्ड पर्सन की बात है। तो वो सपना मैंने देखा, तो ऑब्वियसली स्पीड ब्रेकर्स तो आएंगे। आई मीन एक स्पीड ब्रेकर ही था कि जो एक साल नहीं हुआ, एंड मैं डेस्टिनी में बहुत बिलीव करता हूँ, मुझे था कि भगवान ने कुछ बेटर ही सोचा आगे। एंड मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा इस साल बहुत अच्छा गया है, बेटर हुआ, बट आई थिंक जो मैं लास्ट ईयर सोच रहा था, जिस मेंटल नेगेटिव जोन में था, आज मैं बहुत पॉजिटिव जोन पे हूँ। तो आई थिंक वो बिलीव ही था मेरी फैमिली का और मेरा, मेरे खुद के ऊपर। तो आई थिंक वो बिलीव रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी प्रोफेशन पे जाओ, अपने पे बिलीव रखो, बिकॉज कोई बाहर का थर्ड पर्सन बिलीव नहीं करेगा, आपको खुद पे करना है बिलीव। और बिलीव एक बहुत छोटा वर्ड है, बट इसका मायना बहुत ज़्यादा है। तो बिलीव रखना अपने ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑब्वियसली फैमिली का सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही चीज़ आपके पूरे वर्ल्ड में सपोर्ट करेगी, वो है फैमिली। तो आई मीन फैमिली का सपोर्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई मीन आप फैमिली का, आप खुद सपोर्ट करो और फैमिली का सपोर्ट भी उतना इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ज़रूरी है वो चीज़ रखना।
शशांक, मध्य प्रदेश की आईपीएल टीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? होनी चाहिए और नाम क्या होना चाहिए? सर अगेन बहुत ही भावुक क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश की आईपीएल टीम का नाम सर मध्य प्रदेश ने भोपाल का भोपाल ब्लास्टर्स से शुरू कर सकते हैं अपन लोग, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट की नाम से टीम होती है, तो जैसे चेन्नई हो गया, मुंबई हो गया, तो अपना अगर कैपिटल भोपाल है तो भोपाल ब्लास्टर्स से कुछ नाम अच्छा लगेगा। और ऑब्वियसली सर लाइक जिस तरीके से क्रिकेट इवॉल्व हो रहा है, 10 टीम्स हो गई हैं आईपीएल में, हु नोस कि 3 साल 2 साल बाद और टीम्स बढ़ें और अपने स्टेट को भी एक टीम मिले। आई मीन अपना इतना अच्छा स्टेडियम है इंदौर में अपने पास, इंटरनेशनल स्टेडियम, तो एमपी की टीम आएगी तो क्यों नहीं, बहुत मज़ा आएगा यार। अपनी होम टीम को खेलने में किसको मज़ा नहीं आता? आज जब मैं देखता हूँ एक सूर्य कुमार यादव बॉम्बे को खेलता है या एक चेन्नई का प्लेयर चेन्नई को खेलता है तो अच्छा लगता है कि अपने होम स्टेट को खेलते हैं वो लोग, तो हम भी अपने होम स्टेट को खेलेंगे, बहुत मज़ा आएगा। बट एज ऑफ नाउ जो भी टीम्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं, और आई मीन आप आई होप आप लोग भी कोई ना कोई टीम को फॉलो करते ही होंगे, तो जब भी अपनी टीम आएगी आई होप अच्छा ही होगा, खेलेंगे अपनी टीम को यार। एमपी की टीम बनती है तो क्या पंजाब किंग्स के स्टार बल्लेबाज शशांक सिंह अपने आप को एमपी की टीम के कैप्टन के रूप में देखते हैं? सर ये तो बहुत फ्यूचर का क्वेश्चन है सर, बट ऑब्वियसली सर मतलब अगर कैप्टनसी कहीं भी मिले सर तो कौन नहीं करना चाहेगा, बट अभी सर पंजाब किंग्स को खेल रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है उस टीम को खेलना। उस टीम ने मुझे बहुत बैक किया है, बिल्कुल अपना समझ के बैक किया है, मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, मुझे इतना सपोर्ट किया है, तो सर अभी तो फिलहाल पंजाब किंग्स से खेलने में बहुत मज़ा आ रहा है, बट आगे अगर अपनी एमपी की टीम बनेगी तो सर क्यों ना अपने होम स्टेट को तो ज़रूर खेलने में बहुत मज़ा आएगा। यानी शशांक एमपी की टीम से खेलेंगे, कैप्टन होंगे नहीं होंगे ये भविष्य की बात है, पर उनकी दिली इच्छा है कि वो मध्य प्रदेश की टीम से खेलें, और उन्होंने नाम भी बताया भोपाल ब्लास्टर्स, नोट कर लीजिए ये नाम, हो सकता है कि आने वाले 5-7 सालों में ये नाम आपको आईपीएल में नजर आ जाए। तो ये थे शशांक सिंह, ना केवल पंजाब 11 किंग्स बल्कि पूरे भारत के स्टार आईपीएल प्लेयर, हालांकि अभी अनकैप्ड इंडियन प्लेयर हैं, और हम सभी दा सूत्र के सभी साथी, सभी भारतवासी ये दुआ करते हैं कि जल्द ही शशांक कैप्ड प्लेयर हों और भारत के लिए खेले। और आखिरी सवाल शशांक से ये है कि जून से T20 वर्ल्ड कप का महासंग्राम शुरू होने वाला है, भारत की जो टीम घोषित हुई थी उसे लेकर कुछ बातें भी हुई थी, शशांक से जानते हैं कि वो इस टीम के बारे में क्या सोचते हैं, ये टीम बैलेंस्ड है या नहीं, या कोई गुंजाइश रह गई है। शशांक सर बहुत ही तगड़ी टीम बनी है, आई मीन प्रॉपर बैलेंस टीम है, 3 स्पिनर हैं, 3 फास्ट बॉलर हैं, ऑलराउंडर हैं 2 अपने पास, लेफ्टी बैट्समैन है जो चाहिए अपन को बीच में, इवन जो रिजर्व भी जा रहे हैं, रिंकू जा रहा है, आवेश जा रहा है, तो काफ़ी टैलेंटेड टीम है, और कोई दो राय है ही नहीं कि हम लोग कप क्यों नहीं ला सकते। ऑब्वियसली वो गिवन डे की बात है, वो मोमेंट्स जो मैं बात कर रहा हूँ मोमेंट्स की बात है कि अगर हम वो मोमेंट्स कैप्चर करेंगे जीतेंगे तो बिल्कुल कप अपने पास आएगा। और टीम तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, मतलब रोहित भाई कैप्टनसी में है, विराट भाई है, वहाँ पे सब सीनियर प्लेयर्स भी हैं 2, जिस तरीके से सूर्या फॉर्म में है, तो आई मीन बहुत अच्छा है, आईपीएल का एक्सपीरियंस लेके जाएंगे प्लेयर्स, तो होपफुली अच्छा ही होगा। एंड मेरी तो पूरी उम्मीद है कि इस साल हम लोग वर्ल्ड कप लेके आएंगे वापस। द सूत्र, हम सिर्फ भगवान से डरते हैं।